मैं बोल रहा हूँ, रुक जा। आज तो तू बच गया, लेकिन रोज नहीं बचेगा, समझा? कौन था जिसने इस पर हमला किया? मेरे बेटे को मरना चाहता है? ए, इधर आ। ए, अब दम है तो मार के दिखा। ए, सुन नहीं रहा है? मार के दिखा। ए, ए, कौन था वो? अगर मुझे पता चल गया ना, सर इतना तो नाराज क्यों रहे? एक एक को काट के रख दूंगा। क्या हुआ रे? सर टेंशन की बात क्या है? क्या बोलो, टेंशन क्यों है? इधर आ। सर ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? तुझे बुरा लगा ना? अगर तेरे बेटे को दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा तब तुझे पता चलेगा टेंशन क्या होती है। क्या बात करें सर? ए, ये तेरा कॉलेज है, गुंडों का अड्डा खोल रखा है? कोई रोड शॉप लड़का है क्या? वीआईपी का लड़का है, इतनी आसानी से छोड़ देंगे? सर वो कॉलेज का स्टूडेंट नहीं है सर। तो फिर कौन है बताना। मैं नहीं जानता सर। सारा गाँव जानता है वो धनक आदमी है और ये यहाँ एक्टिंग कर रहा है। जाने दे, मैं देख लूंगा इस मामले को। तू नहीं बताएगा ना? ठीक है मत बता, मैं खुद पता कर लूंगा और उसके बाद पूरे परिवार को जिंदा जला दूंगा, तेरे खानदान को भी नहीं छोड़ूंगा। चल चलो चलो अपने क्लास में जाओ। चलो चलो चलो, यहाँ क्यों खड़े हो? चलो स्टूडेंट्स गो टू द क्लासरूम। चलो क्लासरूम में वापस जाओ। चलो भीड़ मत लगाओ। चलो आ गया कॉमेडियन सुंदर राजा, इंग्लिश और हिंदी मिला मिला कर बात करता है, उसके सामने तो इसकी फट गई थी। चलो अरे पागल, फालतू में बात क्यों बढ़ा रहा है? वो ऐसा आदमी नहीं है। क्या मतलब? मेरे बेटे को कॉलेज में दौड़ा दौड़ा कर मारा उसने, अब बोल रहे बात मैं बढ़ा रहा हूँ? ए, तेरा बेटा बहुत शरीफ है क्या? उसकी कोई गलती नहीं होती, उसके लिए गरम हो रहा है। देख कॉलेज के मैटर को इस तरह पतंग की तरह ढील मत दे, ये सब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। समझ में आया कि नहीं? मतलब कोई मेरे परिवार को खत्म करना चाहता है और आप ये कह रहे कि मैं चुप रहूं? मैं आपका भी तो खून हूं, भूल गए हैं क्या? इसीलिए तो तू अभी तक मेरे सामने खड़ा है। मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। फालतू में बात मत बढ़ा, ये सब लड़ाई झगड़ा छोड़कर साथ में मिलकर काम कर, लोगों का भला कर, नाम कमा। भैया वो देखो आ रहा है। भैया भैया आशीर्वाद। खुश रहो खुश रहो। मैं एमएलए बन रहा हूँ, आप नाराज तो नहीं? इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? मेरे बदले आप लोगों की सेवा करेंगे, मेरी तो यही तमन्ना है कि सब लोग सुखी रहें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं मेरे बाप दादा ने इस पार्टी के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया। उनके जाने के बाद न जाने कितने लोग आए और धीरे धीरे इस पार्टी में अपना कद बढ़ाते गए। भैया मुझे पैसों का तो लालच नहीं है, पर राजनीति तो मेरे खून में है ना, इसीलिए हाईकमान से बात करके एमएलए का पद मांग लिया। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि आपने खुद से ही एमएलए का पद छोड़ दिया, आप महान हैं। आप बहुत आगे जाओगे भाई, भाई संभाल के जाना। जी ए धना, क्या दोस्त आज एकदम दिल खोल के सबको ट्रीट दे रहा है, आखिर मैटर क्या है? कुछ नहीं यार कन्नन, मैंने कहा था ना मेरे घर के पास एक लड़की है। अच्छा पड़ गई यार। वाओ हाथ मिला यार। छी किसी की जिंदगी खराब करने वाला है तू, हाथ मिला रहा? मैंने तुझे बोला था ना कितनी सुंदर लड़की है वो। अरे उसकी बात छोड़ यार। ए, एक भाभी को भी पटाने की औकात नहीं है इसकी, एक मस्त लड़की को पटा लिया इसने।
तुम जैसे गद्दारों को उधार लेके ट्रीट दे रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया। क्या बात कर रहा है, अब तो चालू मत हो। सर ऑर्डर प्लीज। दो मिक्स राइस, दो मिक्स राइस, एक प्रॉन्स राइस, एक चिकन नूडल्स और एक ग्रिल चिकन, दैट्स ऑल। ओके थैंक यू। अरे बंटा है, आज तो तू हीरो बन गया, लेकिन अगर तू काउंसलर के बेटे को टपका दिया होता ना तो भाई तेरे को सिंगापुर ले जाके शराब से नहलाता, क्या बोलता है बोल। ए, भाई से बात करके थोड़ी नजदीकी बढ़ा, भाई तेरी जिंदगी बना देंगे। दोस्त एकदम भाई की तरह दिखता है, तेरा हेयर स्टाइल भी उनके जैसे ही है, तू हम लोग में सबसे जल्दी आगे बढ़ेगा भाई। ए भाई आगे। क्या रे छोटे, शेरों जैसा काम कर रहा है तू, खाना बिना खाए कि नहीं? खा लिया भाई, खाया। आ भाई, क्या बात है, लग रहा है। मैंने सुना तूने कॉलेज में अकेले दौड़ा लिया, लड़के कह रहे थे। दौड़ा तो लिया था मगर बच गया भाई। कोई बात नहीं यार, मेरा छोटा भाई है तू, ये सब होता है। जी नमस्कार। क्या हुआ सेठ जी, देख रहे हो मेरा भाई है, मैं जो भी कहता हूँ वो कर देता है। क्या धना भाई, ये तो अभी बच्चा है। क्यों भाई, मैंने सही कहा ना? सही कहा भाई। इसको मार दे। नहीं नहीं धना भाई, नहीं 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 धना भाई, नहीं धना भाई, मुझे मत मारो धना भाई। बैठ 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 जा। अच्छा छोटे, एक आदमी बहुत परेशान कर रहा है, क्या करने का? मार देने का भाई। सेठ जी फोटो दे दो। जानता है ये कौन है? इसका फोटो मैंने पेपर में देखा है, बस इतना ही जानता हूँ भाई। ये ले रख ले। भाई अपन ये काम पैसे के लिए नहीं कर रहे। पकड़ रहे, तू छोटा भाई है रे मेरा, भाई को मना करेगा? अपने पास से थोड़ी दे रहा हूँ, सेठ जी दे रहे। चल रख ले, रख ले, चल जा। ठीक है भाई। मेरे लड़के लोग को हल्के में नहीं लेने का, समझाना? कहाँ जाने का? अपन लोग कहाँ जा रहे हैं? सब इधर ही बता दूँ, चल बे। हर दिन पानी के लिए इतनी झंझट होती है, जब तक ये औरत इस चौल में रहेगी ये सरदर्द ऐसा ही रहेगा। ये टंकी कितने सालों से गंदी पड़ी है, इसकी मरम्मत करवानी चाहिए, थोड़ा सा ईंट सीमेंट से काम हो जाएगा। अभी पिछले साल ही तो टैंक ठीक करवाने के लिए पैसा मांगा था, तू बोलेगा तो फिर मांगेगी। ए चुप कर, आ गई। कितनी बार तुम लोगों को बोला कल से बीच में मत रखा करो, पता नहीं खाना खाते हो या घास खाते हो। चलो मुझे बहुत काम है, कल पानी मिलेगा। ये कैसी बात कर रही हो बेटी, सुबह से एक कलसा पानी के लिए खड़े हैं। मैंने खड़े होने को कहा? खड़े होके मेहरबानी कर रही है, मेरे को पगार कोई नहीं देता पानी देने का, मैं अपनी मर्जी की मालिक हूँ। ए चल बुड्ढी, बीवी खराब है, सुबह सुबह पनौती लगा दी, ऐसा पानी पीने से अच्छा तो मर जाए। अरे भगवान, किसको मार रही हो? उस जानवर